था मोबाइल चोरी करने का। कौन सी बाजी? गुलाबशा। गुलाबशा ने मोबाइल खरीदा था तुम? तुम्हारी सरदार वो ही नहीं, हमारे आयान सेठ है। कितने साथी? और बाजी मोबाइल कितने पैसों में खरीदा था उनने? 1500 रुपए में खरीदा आयान ने। आयान ने बाजी को बेच दिया। चोरी का माल बाजी खरीदती है? सब खरीदती है। गुलाबशा, गुलाबशा नाम है। कबाड़ा भी खरीदती है? कितने लड़के तुम लोग, कितने जने आए थे यहाँ पर? 5 आए थे। स्वागत है आपका न्यूज मोहल्ला। सोशल मीडिया पर लगातार नाबालिग बच्चों के वीडियो वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो किसी तरह के नारे लगवाना हो, चाहे वो चोरी की वारदात हो, चाहे वो भीख मांगते हुए हो, अक्सरियत में हमने पाया है आजकल ये ज्यादातर देखा जा रहा है कि नाबालिग बच्चे इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है। अभी माजरा क्या है, ये क्यों है? इसमें सबसे पहले एक बात सामने ये आती है कि जब नाबालिग को पुलिस पकड़ती है तो उसको जल्दी छोड़ दिया जाता है और उस पर रहम और दया दिखा दी जाती है। अगर चोरी करता हुआ वो बच्चा पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर रहम खा के, उस पर दया दिखा के उसे छोड़ दिया जाता है। वो बच्चा भीख मांगता हुआ नजर आता है तो उस बच्चे को देख के उसको भीख ज्यादा दे दी जाती है। तो इस तरह के मामलात लगातार भोपाल शहर में भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो हमारे पास आया जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि कोई लेडी का नाम लेता है बच्चा और बताता है कि मैंने चोरी का सामान जो है उस लेडी को बेचता हूँ, वो लगातार चोरी का सामान खरीदती हुई आ रही है। ये लोगों को भी सोच रहा होगा किस तरह से वो चोरी का सामान खरीदते हैं और इन बच्चों को बढ़ावा मिलता है, इनके पास वो चीज़ें आई का। ये बच्चा मस्जिद से मोबाइल चुराता है और मोबाइल चुरा के एक लेडी को ले जाके बेच देता है, वो महिला उस मोबाइल को खरीद लेती है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो महिला लगातार चोरी का सामान उस बच्चे से खरीद रही है, ऐसा बच्चे का कहना है। बहरहाल जी कितना सच है कितना झूठ है जांच के बाद ही पता चलेगा। बच्चे ने वीडियो में अयान नाम के एक बच्चे का नाम लिया, वो भी शायद नाबालिग है या बड़ा है ये हम नहीं जानते। वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंचा है और ये भोपाल का वीडियो है, व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक पहुंचा। अब ये वीडियो के बारे में बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि लगातार हम 3 से 4 दिन से देख रहे हैं कि लगातार मोबाइल चोरी की वारदातें आ रही है। लोग अपने मोबाइल रख देते हैं और लोग उसको चुरा के ले जाते हैं, ले जाके कुछ लोगों को बेच देते हैं। पुलिस इसमें क्या कर रही है? पुलिस इनको अगर गिरफ्तार करती है तो जाहिर सी बात है पुलिस खुद हाथ बंधे हुए होते हैं पुलिस के, और वो कुछ समय बाद उनको छोड़ देते हैं जो भी गतिविधि होती हो। बहरहाल अक्सरियत में ये पाया गया है कि उन बच्चों को ले जाकर कुछ समय के बाद छोड़ दिया जाता है, या फिर वो व्यक्ति जो उन बच्चों के खिलाफ कंप्लेंट लिखाता है वो दया दृष्टि दिखाकर उनको छुड़वा देता है। बहरहाल इसी तरह से भीख मांगते हुए बच्चे नजर आते हैं जिनको हम लोग भीख दे देते हैं। आपको समझना होगा कि आपको किस पे दया दिखाना है और किस पे नहीं दिखाना, कहीं ऐसा ना हो आपकी दया की वजह से वो क्रिमिनल हो जाए। अब हम बच्चे की बात करें जो बच्चा चोरी करता हुआ पकड़ा गया, इस बच्चे के साथ रहम और दया दिखा दी गई तो ये बच्चा चला जाएगा। अगर इसको सजा नहीं दी गई तो ये दोबारा चोरी करेगा। अगर भीख मांगने वाले बच्चे को आप भीख देंगे तो लगातार भीख मांगेगा। तो इस तरह के मामला लगातार आ रहे हैं, चाहे वो भीख मांगने का हो, चाहे वो चोरी करने का हो, चाहे वो किसी भी तरह का मामला हो, चाहे वो एक बड़ा अजीब सा जो मंजर अभी हमारे सामने आया था नारे लगवाने वाले, चाहे वो। तो बच्चों को किस तरह से हमें ट्रीट करना है, किस तरह से बच्चों की देखभाल करना है, किस तरह से बच्चों को समझाना है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। इसकी बाकायदा ट्रेनिंग लेनी चाहिए लोगों को, समझना चाहिए कि बच्चों के साथ किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए ताकि वो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम ना दे। तो जो वीडियो हमारे पास आया था वो हमने आपको पहले भी दिखाया कि वीडियो क्या था और किस तरह से बच्चा बता रहा है कि चोरी का सामान उसने खरीदा। वीडियो आने के बाद हमें थोड़ी सी गंभीरता से हमने इस मामले को लिया और हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको ये जानकारी पहुंचाएं कि आप बहुत गलत कर रहे हैं इस तरह के बच्चों को पैसा दे के या इस तरह के बच्चों को छोड़ देना, इनको माफ़ कर देना। नहीं, माफ़ नहीं करना होगा आपको। या तो इनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है या इनके परिवार की कोई दिक्कत है तो इनके परिवार से जाके बात करनी चाहिए और पूछना चाहिए, या फिर इन बच्चों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए और पुलिस को पाबंद करना चाहिए कि इनके ऊपर वही कार्रवाई हो जो कार्रवाई एक्चुअल में इनके ऊपर होना चाहिए, ना कि उनको दया दृष्टि दिखा के हम खुद उनकी जमानत करवा दें या उनको छोड़ दें। इसका मामला ये होगा कि ये बच्चा आगे जाके बड़ा क्रिमिनल बनेगा और बड़े बड़े क्राइम करेगा। क्राइम करने के बाद क्या होगा फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि देश किस रास्ते पे जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। जैसे भी बच्चों के क्राइम सामने आ रहा है कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं क्राइम क्या है। तो बहरहाल
फैसला आपका है, सोचना आपको है, समझना आपको है कि आपको चोरी करता हुआ जो बच्चा मिला उसके साथ क्या करना है, रहम दिखाना है या उसको पुलिस के हवाले करना है या उसके परिवार के पास ले जाकर उसकी समझाइश देना है। सबसे बड़ा मुद्दा है भीख देने का, कि हम बच्चों को भीख दे देते हैं। तो हम कोशिश करें कोई भी बच्चा हमें भीख मांगता हुआ मिले तो हम उसके परिवार का पता करें। जब हम उसके परिवार के बारे में बात करेंगे तो बच्चा कई तरह के झूठ बोलता हुआ नजर आता है। आज से दो दिन पहले मैंने भी इसी तरह का एक बच्चा मुझे मिला था, मैंने उससे सवाल करे तो उसने कई घुमाए फिराए सवाल के जवाब दिए। उससे मुझे समझ में आ गया कि ये पेशेवर भिखारी है और अगर मैं इसको भीख देता हूँ तो ये पेशेवर भिखारी बन जाएगा। सतर्क रहें, सावधान रहें इन चीज़ों से, इसमें आपकी भी भलाई है और हमारे देश की भी भलाई है। तो न्यूज़ वाला देखने के लिए धन्यवाद। मैं फैजुद्दीन खान।